हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेमाज फूड मैजिक। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत सारी अनेकों तोहफों से नवाजा है। खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें प्रकृति की ओर से अवेलेबल है। इसमें से हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि ये इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए, आज हम बनाने जा रहे हैं रतालू की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, ये एक मैंने मीडियम साइज़ का रतालू ले लिया है। ये देखिए, इस तरह का होता है। मैंने छिलकर रख दिया है रतालू को। फ्रेंड्स, इसको छीलने से पहले अपने हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, अन्यथा इससे आपको किरकिरी हो सकती है, अपने हाथ में खुजली हो सकती है। तो चलिए, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको कट करने के बाद हमें एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल लेना है। मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है, और बहुत सारे लोग इसको डीप फ्राई भी करते हैं, पर हम इसको आज इसको हम शेलो फ्राई करेंगे, जिससे तेल बहुत नहीं लगेगा। तो इसको अब हम तेल गर्म होने के बाद इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इस तरह से तेल में इसको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट होने देंगे तेल में। इस तरह से शेलो फ्राई करेंगे हम इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा रतालू जो है वो तेल में फ्राई हो रहा है। इसको इस तरह से हम शेलो फ्राई करके 5 से 7 मिनट के लिए शेलो फ्राई करेंगे इसको, फिर हम इसको निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा रतालू जो है वो गोल्डन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको निकाल देंगे, इस तेल में से निकाल देंगे। इससे शेलो फ्राई करने से क्या है फ्रेंड्स, इसमें तेल बहुत कम मात्रा में लगता है, और जो बचा हुआ तेल है उसको हम इसी का तड़का बनाने में यूज़ करेंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने जो रतालू फ्राई करने के बाद तेल बचा हुआ था उसको एक कुकर में डाल दिया है, और अब हम इसमें मसाले डालने शुरू कर देंगे। इसको गर्म होने दें थोड़ा। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे। इसके बाद हम प्याज डाल देंगे, जो हमने फाइनली चॉप करके रखा है। अब इसको हम भूनने देंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से हिलाते रहेंगे जब तक हमारा लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल देंगे। इसके लिए मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दूंगी इसमें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे इसमें। अब हम इसको हिला देंगे इस तरह से, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। उसके बाद हमने 2 मीडियम साइज के टोमेटो प्यूरे करके रखे हैं, उसको हम डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे, नमक स्वादानुसार, और इसको थोड़ी देर इस तरह से चला देंगे। जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तब तक हम इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पर पका देंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारा मसाला एकदम बनकर तैयार है। ये देखिए, अब हम इसमें रतालू ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मसाला लगाकर इस तरह से अच्छे से कोट कर देंगे मसाले के अंदर, और 2 मिनट तक इसको पका देंगे हम इस तरह से। 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे ताकि जो मसाले हैं वो इसमें अच्छे से समा जाए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। जितना आपको, अगर ज़्यादा पतला चाहिए तो आप थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर दीजिए, अगर आपको थोड़ा सा थिक चाहिए तो थोड़ा पानी कम डालें, और इसको अच्छे से मिला दें।
फ्रेंड्स अब हम मैं इसको 10 मिनट के लिए कुकर में ढक्कन चढ़ा दूंगी और इसको स्टीम में हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 से 3 सीटी आने पर इसको बंद कर दे और हमारा रतालू की सब्जी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब इसको हम 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। लीजिए फ्रेंड्स हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए एकदम बढ़िया से तैयार हुई है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स हमने सब्जी को सर्विंग बाउल में डाल दिया है और अब हम इसको इस तरह से कड़ी पत्ते से गार्निश करेंगे। तो हमारी रतालू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप भी इसे अपने घर पर ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।